हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। मैं तारा राव, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, माता ब्रह्मचारिणी जी का। ब्रह्मचारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। तो बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप माला उनकी ज्ञान का प्रतीक है। दोस्तों, आज दूसरा दिन तो है, लेकिन जैसे जैसे पहला दिन चले जाता है, फिर दूसरा दिन आता है तो मन में उत्साह रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे ही करते करते हमारा 8 और 9 दिन पूरा हो जाएगा। मन में एक जो खुशी है उसके साथ डर भी रहता है कि हम पूजा पाठ में जितना समय व्यतीत करते हैं, जितनी खुशी साल भर रहती है, फिर ऐसा लगता है कि अरे आज 2 दिन हो गया है, फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, इस तरीके से 8-9 दिन पूरे हो जाते हैं, फिर दशहरा वगैरह आ जाता है तो हम पूजा पाठ वगैरह जो सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, ऐसा लगता है कि ये दिन कभी ख़त्म ना हो। हर दिन ऐसे ही उत्साहपूर्ण हमारे जीवन में आता रहे। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि माता की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। चलिए मेरे साथ अब हम मंदिर में सुबह की आरती वगैरह कर लेते हैं, फिर मंदिर चलते हैं। फ्रेंड्स, देखिए आज मंदिर में दूसरा दिन है और आज माता ब्रह्मचारिणी जी का दिन है, तो हम यहाँ पूजा वगैरह करके अभी बस बैठे ही हुए हैं। और देखिए, ये हमारा जोत वगैरह चल रहा है। इस जोत के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी भी रहती है, तो हम लोग यहाँ आकर पूजा आरती करने के बाद कुछ देर यहाँ बैठते हैं, दिल को बहुत सुकून होता है। बस अब हम आरती पूजा हो गया है, सुबह के समय तो बस इतना ही देर यहाँ व्यतीत करते हैं आरती पूजा तक, फिर शाम को यहाँ पर हम कुछ देर रुकते हैं, बैठते हैं, भजन वगैरह भी होता है। अभी तो खैर पहला दूसरा दिन है, तो अभी कुछ ज़्यादा ये नहीं, पंचमी से बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को भी मैं हर कार्यक्रम में सम्मिलित करूंगी, लेकर आते रहूंगी। फ्रेंड्स, घर में संध्या आरती हो चुकी है, अब मैं मंदिर भोग बनाकर लेकर जा रही हूँ। हलवे का भोग मैंने बनाया है, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ मंदिर, वहाँ आरती वगैरह होगी। देखिए, मैंने हलवा वगैरह का भोग रेडी कर लिया है,